हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिल सके। दोस्तों, अपन इस वीडियो में करंट जीके को शामिल किया है, जो जुलाई मंथ का करंट जीके है और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप पूरे वीडियो को देखिए, जिससे आपके करंट जीके और जीके दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपका काफ़ी अभ्यास हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन एक नई न्यूज आई है वो लेते हैं। नौसेना को MRSAM की आपूर्ति के लिए भारत ने इजराइल के साथ $50 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। नौसेना को MRSAM की आपूर्ति के लिए भारत ने इजराइल के साथ $50 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मिसाइल की आपूर्ति इजराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज IAS द्वारा की जाएगी। IAS इजराइल की सरकारी कंपनी है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले अपना क्वेश्चन बनता है कि कितने डॉलर का सौदा हुआ है। तो इसमें जैसे $50 मिलियन का सौदा हुआ है और उसमें MRASM की आपूर्ति भारत को कौन सा देश करेगा, तो इसमें इजराइल देश करेगा। उसके बाद में IAS कंपनी इजराइल की कहाँ की कंपनी है, तो ये इजराइल की सरकारी कंपनी है। और उसके बाद में अपन जैसे इसके मुख्य बिंदु देखते हैं, तो MRS मिसाइल सिस्टम का उपयोग इजराइल की नौसेना द्वारा किया जाता है। इस मिसाइल प्रणाली से हवाई, समुद्री तथा ज़मीनी स्तरों से बड़ी आसानी से निपटा जा सकता है। इस मिसाइल प्रणाली में डिजिटल राडार, कमांड एंड कंट्रोल लॉन्चर तथा इंटरसेप्टर्स होते हैं। इसका निर्माण इजराइल के रक्षा मंत्रालय, भारत के रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन राफेल तथा एल्टा सिस्टम के बीच सहयोग से बनाया गया है। अब तक MRSAM मिसाइल सिस्टम के विक्रय से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को $6 अरब प्राप्त हो चुके हैं। तो ये अपने भारत को ही नहीं और देशों को भी बेच चुकी है। और अब नया अपन नई न्यूज़ लेते हैं, तो डोरंड कप 2019 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। इसमें अपन देखते हैं, तो डोरंड कप 2019 का आयोजन पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में 2 से 23 अगस्त के दौरान किया जाएगा। यह डोरंड कप का 129वां संस्करण है। ऐसा पहली बार होगा जब ऐसा इस प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली से बाहर किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के दौरान पश्चिम बंगाल के 3 स्थानों कलकत्ता, सिलीगुड़ी तथा कल्याणी के 5 स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। यह स्टेडियम है ईस्ट बंगाल ग्राउंड, मोहन बागान ग्राउंड, कल्याणी स्टेडियम, सिलीगुड़ी स्टेडियम तथा साल्ट लेक स्टेडियम। आर्मी ग्रीन पिछले संस्करण की विजेता टीम रही है। इसके मुख्य बिंदु देखते हैं, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे पहले अपने क्वेश्चन बनता है, डोरंड कप एशिया की सबसे पुरानी तथा विश्व की तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो डोरंड कप के ऊपर ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रह जाते हैं। पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन 1988 में किया गया था। इसका आयोजन डोरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी तथा ओशियंस द्वारा मिलकर किया जाता है। इस प्रतियोगिता का नाम उसके संस्थापक सर मोर्टिमर डोरंड के नाम पर रखा गया है। वे 1984 से 1994 के बीच विदेश सचिव रहे हैं। ईस्ट बंगाल और मोहन
बागान इस प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम है। इन दोनों टीमों ने अब तक डूरंड कप को 16-16 बार जीत चुकी है। तो दोस्तों, इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अपन नई न्यूज़ लेते हैं तो अपर्णा कुमार बनी 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करने वाली प्रथम आईपीएस अधिकारी। तो इसमें भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी तथा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की डीआईजी फ्रंटियर अपर्णा कुमार ने हाल ही में उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत देवाली 20,310 फीट ऊंची है पर सफलतापूर्ण चढ़ाई की है। यह पर्वत अमेरिका के अलास्का में स्थित है। इसके साथ ही वे 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली आईपीएस अफसर बन गई हैं। 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करने के कार्य को 7 समिट चैलेंज कहते हैं। अपर्णा कुमार 2002 बैच की उत्तर प्रदेश के अंडर की आईपीएस अफसर है। वर्तमान में वे देहरादून में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के उत्तरी सीमांत मुख्यालय में तैनात हैं। और 7 समिट चैलेंज 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करने के कार्य को 7 समिट चैलेंज कहा जाता है। इस चुनौती को सर्वप्रथम 1985 में डिक बास ने पूरा किया था। अब तक 300 से अधिक लोग इस चुनौती को पूरा कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। 7 समिट चैलेंज ये है कौन कौन से, तो उसमें 7 को शामिल किया गया है और उनकी अपन कितनी ऊंचाई है और ये कहाँ कहाँ स्थित है, इनमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको भी अपने को याद करना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं तो कार्सेटेंज पिरामिड 4,884 मीटर की ऊंचाई है और ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू गिनी में स्थित है। और किलिमजोरा 5,892 मीटर ये अफ्रीका में है। और एल्यूबूस 5,642 मीटर ये रूस यूरोप में है। एकाकागुआ 6,962 मीटर ये दक्षिण अमेरिका में है। देनाली माउंट मैकिनले ये 6,694 मीटर उत्तरी अमेरिका में है। विंसन मेसिफ ये 4,892 मीटर ये अंटार्कटिका में है। और माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ये एशिया में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को देखा। और आप अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पुराने हैं और आप हमारे YouTube चैनल को रोज़ देखते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे हम आपको और नए नए वीडियोज़ ला दें। धन्यवाद दोस्तों।